बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक इज़ सेल्स एंड टिश्यूज़। आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर, इसमें मेजर टॉपिक हमारे पास माइक्रोस्कोपी है, लेकिन उससे पहले हम बेसिक डेफिनेशंस का रीकैप करेंगे ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सेल्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल्स बहुत स्मॉल होते हैं, हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए सेल्स को देखने के लिए। इसके एग्जांपल्स में विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, इसके अलावा मीट इवन जो हम खाते हैं, फिंगर नेल्स हैं हमारी, ये सब क्या हैं, ये सब सेल्स के ही बने होते हैं। फिर टिश्यूज़ हैं, जब स्पेसिफिक सेल्स मिलते हैं तो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। इसके एग्जांपल में हिपेटोसाइट्स हैं जो कि हमारे लीवर के सेल्स होते हैं, और ये मिलके जो है वो लीवर टिश्यू बनाते हैं। फिर इसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सेल के बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम एंड ई कोलाई, एंड दिस लिस्ट जो है गोज़ ऑन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में बर्ड्स, प्लांट्स, फंजाई, ह्यूमंस एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं। फिर माइक्रोस्कोपी में दो इम्पॉर्टेंट जो है ना वो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यूज़ ऑफ द माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप की थी ज़चेरियस जेंसन साइंटिस्ट ने, हॉलैंड के अंदर की थी इन 1595। ये सिंपल एक ग्लास ट्यूब थी, सिंपल एक ट्यूब थी, और इसके दोनों एंड पे जो है वो लेंजेस थे। एक सिंपल एक ट्यूब थी, इसके दोनों एंड पे लेंजेस थे, और इसकी मैग्नीफिकेशन थी फ्रॉम 3x to 9x। मतलब कि ये मैग्नीफाई कर सकती थी फ्रॉम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़, ये मैग्नीफाई कर सकती थी फ्रॉम 3 times to up to 9 times। अब माइक्रोस्कोपी में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है मैग्नीफिकेशन, दूसरे रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के दो साइज़ हो सकते हैं, एक उसका रियल साइज़ और एक उसका अपेरेंट साइज़। जो रियल साइज़ है वो असल में उस ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है, जैसे किसी बैक्टीरिया का साइज़ हो फॉर एग्ज़ाम्पल 0.2 नैनोमीटर या 0.2 माइक्रोमीटर, तो उसका रियल साइज़ है। और अपेरेंट साइज क्या होता है, जब हम उस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है माइक्रोस्कोप के अंदर, और जो माइक्रोस्कोप का जो लेंस है वो उसको मैग्नीफाई करता है, उसको इस इमेज को बड़ा करता है, तो वो हम कहते हैं कि उसका इंक्रीज हो रहा है अपेरेंट साइज। तो रियल साइज उतना ही रहता है, लेकिन जो अपेरेंट साइज है वो इंक्रीज होता है। फिर रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लैरिटी। सो रिजॉल्विंग पावर, रेजोल्यूशन या क्लैरिटी, इसका क्या मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, फॉर एग्जांपल दो वायरस के दरमियान में या दो बैक्टीरिया के दरमियान में, उतना मिनिमम डिस्टेंस हो कि वो दोनों जो बैक्टीरिया हैं वो टू सेपरेट बैक्टीरिया हमें नज़र आए, वो हमें जो है वो बिल्कुल अलग अलग बैक्टीरिया नज़र आ रहे हो, वो हमें एक बैक्टीरिया नज़र ना आ रहा हो, यह है रेजोल्यूशन। इसके बाद जो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन है वो 0.1 मिलीमीटर है, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस है तो ह्यूमन आई उनको एज अ टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर डिफ्रेंशिएट कर सकती है, डिस्टिंग्विश कर सकती है। सो 0.1 मिलीमीटर इज द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। लाइट माइक्रोस्कोपी हम लाइट माइक्रोस्कोप के यूज़ को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूज़ को कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप, इसका प्रिंसिपल है, इसमें से विजिबल लाइट गुजरती है। हमारा जो स्पेसिमन है, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जिस भी वायरस को, बैक्टीरिया को, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, उसमें से विजिबल लाइट गुजरती है। और इसके प्रिंसिपल की बेस पे ही लाइट माइक्रोस्कोप का नेम भी रखा गया है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसमें से क्योंकि विजिबल लाइट गुजरती है, सो इसलिए हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब इसमें दो ग्लास लेंसेज होते हैं। जो पहले वाला लेंस है वो हमारे स्पेसिमन का, यानी हमारे ऑब्जेक्ट का एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है, और जो दूसरा लेंस है वो इस इमेज को जो कि पहले वाले लेंस ने बनाया है, इसको मज़ीद मैग्नीफाई करता है और इसको फोटोग्राफिक फिल्म पे बनाता है। मैग्नीफाई का मतलब है कि एनलार्ज करता है, उसको साइज़ में बड़ा करता है। फोटोग्राफ जो कि हम माइक्रोस्कोप से लेते हैं उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। फिर लाइट माइक्रोस्कोप की ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये बुक की ही पिक्चर्स हैं।
पहले ये जो है वो इस तरह से होती थी, जो कि लेफ्ट साइड पे है, फिर इसमें कुछ एडवांसमेंट आई और जो लेटेस्ट है वो ये राइट साइड पर है। फिर लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई है ये अमीबा और यूनिसेलर एल्जी की पिक्चर्स हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि हमें सिर्फ जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनके सिर्फ हमें इनकी शेप का पता चल रहा है, इनकी सरफेस टेक्सचर का नहीं पता चल रहा, और इनके जो इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं उनका भी हमें नहीं पता चल रहा। तो इंटरनल ऑर्गेनल्स को देखने के लिए और सरफेस टेक्सचर को ऑब्जर्व करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। फिर मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप है 1500x, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को ये मैग्नीफाई कर सकता है अप टू 1500 टाइम्स। रिजॉल्विंग पावर इसकी है 0.2 माइक्रोमीटर, और जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम का साइज भी है। लाइट माइक्रोस्कोप की लिमिटेशंस हैं कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो नहीं शो करता, यानी कि जो इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स वगैरह वो हम इससे नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो नेम है वो भी इसके प्रिंसिपल की बेस पे है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना वो गुजरती है हमारे ऑब्जेक्ट में से, और इसमें जो ऑब्जेक्ट और लेंस होता है, ऑब्जेक्ट जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट को जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने देखना है, बैक्टीरिया वायरस या फंजाई या कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लेंस होते हैं वैक्यूम चैम्बर के अंदर, और जो ऑब्जेक्ट है उसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरती है। अब यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, या तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट से सिर्फ रिफ्लेक्ट हो जाएं और उसका इमेज बना दें, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट में से ट्रांसमिट हो जाएं, उसके अंदर से गुजर जाएं और उसका इमेज बनाएं। दोनों केसेस में चाहे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं या फिर सरफेस से रिफ्लेक्ट होते हैं, या फिर हमारे ऑब्जेक्ट हमारे जो स्पेसिमेन है उसके अंदर से ट्रांसमिट होते हैं, उसका इमेज बनाएंगे, उसका इमेज बनेगा फोटोग्राफिक फिल्म पे, और ये कौन सा लेंस बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है 250,000x, और रिजॉल्विंग पावर्स के 0.2 नैनोमीटर। दोनों जो मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं देन लाइट माइक्रोस्कोप। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम अंडर स्पेशल कंडीशंस हम एटम्स को भी देख सकते हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। इसके बाद टाइप्स है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM एंड SEM। अगर तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे स्पेसिमेन के अंदर से गुजर जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो हम उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस एंड सो ऑन, उनको हम व्यू कर सकते हैं, उनका भी फर्दर हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं बाय TEM। और दूसरी जो टाइप है SEM, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। अब सरफेस से चूंकि इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट होते हैं तो सिर्फ हम जो सरफेस जो है वो सिर्फ सरफेस को हम सरफेस व्यू देख सकते हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख सकते SEM से। इंटरनल स्ट्रक्चर हमें सिर्फ TEM से नज़र आएगा, और जो सरफेस का व्यू है वो हम देखेंगे SEM से, लेकिन अगर हमने शेप देखनी है तो वो हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अब इसकी भी लिमिटेशंस हैं कि इससे हम कोई जो है वो लाइफ प्रोसेस स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसका प्रिंसिपल है वो बेस करता है वैक्यूम चैम्बर पे। वैक्यूम चैम्बर यानी कि इसका मतलब है कि वैक्यूम है तो एयर नहीं होती है। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट देखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अमीबा की मूवमेंट देखनी है, तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे एयर नहीं है, एयर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मूव नहीं कर सकता है। जब वो मूव नहीं कर सकता है तो हम उसका कोई भी जो लाइव प्रोसेस है वो हम उसको नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रेफर करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप को। TEM की डायग्राम है लेफ्ट साइड पर, और इससे ली गई एनिमल सेल की फोटोग्राफ है राइट साइड पर, और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमें जो ऑर्गेनल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके भी मैं दिखा रही हूँ। फिर ये SEM की डायग्राम है लेफ्ट साइड पर, और इससे ली गई है फोटोग्राफ मॉस्किटो हेड एंड आई की, जो कि है राइट साइड पर, और इसमें जो है हमें सरफेस का टेक्सचर नज़र आ रहा है, हमें जो इंटरनल ऑर्गेनल्स हैं वो हमें यहाँ पे नहीं शो हो रहे बिकॉज इट इज़ SEM। देन देर आर क्वेश्चंस फॉर यू।
विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप वुड यू यूज टू स्टडी? द चेंज इन द शेप ऑफ अ ह्यूमन वाइट ब्लड सेल, द सर्फेस टेक्सचर ऑफ ह्यूमन हेयर, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इन द सेल ऑफ ह्यूमन लीवर। यहाँ पे आई सुजेस्ट कि आप जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स खुद भी सोच सकते हैं फॉर योर इवैल्यूएशन कि आपको कितना समझ आया है। फिर मैं भी बता दूंगी वीडियो में बाद में। तो फर्स्ट का आंसर है लाइट माइक्रोस्कोप। शेप अगर हमने देखनी है वाइट ब्लड सेल की तो हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सरफेस टेक्सचर अगर हमने देखना है तो हम SCM से देखेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर अगर हमने देखना है माइटोकॉन्ड्रियन की जो कि एक ऑर्गेनल है तो वो हम देखेंगे TEM से। आई होप आपने सबने करेक्ट सोचे होंगे। हेयर आर द आंसर्स। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। सो स्टे ट्यून्ड।